संस्थागत गौतम के चरणों में श्रद्धा सुबह अर्पित करते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में और मंच पर आसीन श्री रामदास ठावरे जी राज्य मंत्री सामाजिक न्याय को अपनी बधाई देते हुए दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देता हूँ और मंच पर आसीन सभी पार्टी के उच्च पदाधिकारियों एवं देश से आए हुए मेरे समस्त भाई और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके सामने बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं दलित समाज से हूं और दलित विचारक होने के नाते मेरी सबसे बड़ी एक ही सोच रही है कि जो चीज बाबा साहब ने हमको इतना संघर्ष करने के बाद दी थी, आज उसी पर हमारे आरक्षण के ऊपर बिल्कुल आंख आ रही है। देश में निजीकरण हो रहा है, उद्योगों में निजीकरण हो रहा है और इस निजीकरण में कहीं भी आरक्षण का कोई नाम नहीं है। आज जो सरकारी नौकरियां बाबा साहब के आशीर्वाद से हम लोगों को मिली हुई थी, उन नौकरियों पर आ जा रही है, हमारी शिक्षा के ऊपर आ जा रही है। शिक्षा में जो रिजर्वेशन था उसको पूरा नहीं किया जाता है। हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा में कितनी दिक्कतें होती है ये सभी लोग जानते हैं। आने वाले समय में मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम सब लोगों को एक होकर नीले झंडे के नीचे आकर माननीय रामदास ठाकरे के नेतृत्व में एक क्रांति करनी पड़ेगी, जिससे हमारे आरक्षण आने वाली हमारी नस्लों को हम ये देखे जाए कि जो चीज बाबा साहब ने हमको धरोहर दी थी और वही धरोहर हम अपने बच्चों को देते जा रहे हैं। मैंने जब सहारनपुर में कांड हुआ था तो सहारनपुर में जांच के लिए मुझे भेजा गया था। मैंने बताया था आके कि वहां 54 दलित घरों को जलाया गया, 40। कृपया शांत होकर बैठ जाए। भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि कृपया शांत होकर बैठे, सामने बहुत सीटें खाली पड़ी हुई। सामने जा रहा आ रहा है वो सामने जा रहा है। उस समय सहारनपुर में करीब करीब 29 लोग हमारे घायल हुए थे, जिनका उपचार अस्पताल में हो रहा था। मैं वहां गया भी था। मैंने प्रशासन से भी ये कहा था कि हमारे दलित समाज के विरुद्ध जितनी FIR हुई है उनको वापस लिया जाए, क्योंकि एक तो हमारे ही लोगों को मारा गया, हमारे लोगों के घर जलाए गए और प्रशासन ने 6 FIR दलितों के विरुद्ध दर्ज की थी। मैं उसी संबंध में वापस आते हुए कि वो समय आ रहा है, हमारी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। इस देश को अगर हमको बचाना है हमको एकजुट होना पड़ेगा और जुट होकर हमको संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमको क्रांति करनी पड़े, अपना रक्त बहाना पड़े, आप लोगों को संकल्प लेना होगा कि दलित विचारधारा को बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के अनुरूप हम मजबूर कर दें, इस सरकार को मजबूर करें कि वो हमारे आरक्षण के ऊपर कोई आंच ना आने दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम।